डरावना मामला हो रहा है यहाँ पे तो। कच 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 कंफर्म करवा लेते हैं कि टिकट कितना कितना क्या लग रहा है। श्रीनाथ जी दर्शन करने पहुँच चुके हैं। ये है टिकट काउंटर, तो टिकट कंफर्म करवाते हैं कितना क्या। यहाँ से हमने टिकट ले लिया है। हमारे देखो तीनों को बेल्ट मिल गए हैं। ये बेल्ट नहीं पहनेंगे तो आगे एंट्री नहीं मिलेगी। तो चलते हैं यहाँ से और चलते हैं, सबसे पहले मूर्ति का दर्शन करेंगे। तो चलते हैं वहाँ पे, हमारी एंट्री यहाँ से हो चुकी है। पे हनुमान जी स्टेचू भी बनाया हुआ है और अभी यहाँ से कर लेते हैं। ये आ गया है बड़ा गेट, तो यहाँ से हो जाती है हमारी एंट्री अंदर जाने के लिए, शिव प्रतिमा को देखने के लिए। तो यहाँ से चेकिंग करवा लेते हैं और फिर निकल जाते हैं आगे के लिए। चलो ले लिया सर, मैं सिंगल सिंगल लो टिकट अपने। ये थोड़ी टिकट है, ये वो वाले होंगे। ये अलग, ये उधर बताएंगे। ठीक है, बिल है इसके पास, तो बिल लेंगे। टिकट ये है। चलो दे दे सबको। तो भी होगी अपनी एंट्री, ये हो गया पास। तो अपना गेट खुल गया है, आ जाओ। तो अपनी एंट्री यहाँ से हो चुकी है और अभी कर लेते हैं शिव प्रतिमा के दर्शन। तो यहाँ से बताते हैं आपको, देख तो यहाँ गाड़ी की व्यवस्था भी रखी गई है। इसके अलग चार्ज लगता है बैठ के, जहाँ से बुजुर्ग वगैरह नहीं जाता है, तो इस गाड़ी के माध्यम से बैठ के आराम से जा सकता है। और काफ़ी लंबी जगह गेट पे विराजमान है गणेश जी महाराज। कोई भी शुभ कार्य होता है उससे पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा ही करते हैं, अपने रीति रिवाज में भी यही करते हैं। तो ये एंट्रेंस गेट के ऊपर सबसे पहले गणेश जी विराजमान हैं, जो अपना वेलकम करते हैं। और अभी यहाँ से चढ़ते हैं आगे की तरफ और पहले कर लेते हैं अपन शिव प्रतिमा के दर्शन, उसके बाद में आपको भी कराएंगे। छोटे शिव शंकर भगवान भी विराज है, वो बड़ा स्टेचू है और ये छोटे वाले हैं। अब यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगी हमारी एंट्री। सीढ़ी है क्या ऊपर ये आ रहे जो नहीं आगे नीचे जानी? और तो ये वाली सीढ़ी नहीं है, ये तो आउट एंट्रेंस चुके हैं एंट्रेंस गेट पे। ये यहाँ पे एक अच्छा शिवलिंग भी बनाया गया हुआ है और वहाँ आ जाते हैं हमारे नंदी महाराज, जो बताते हैं आपको। ये हमारे नंदी महाराज विराजमान, देखो बहुत अच्छे सुंदर बनाए नंदी महाराज, कि हमेशा नंदी महाराज शिवलिंग बिल्कुल सामने ही रहते हैं। तो ये आगे स्टेचू, इसके जस्ट सामने आगे हमारे नंदी महाराज। और यहाँ से आ जाते हैं ये अपने शिवलिंग। अभी यहाँ से कर लेते हैं अंदर जाने के लिए एंट्री, अंदर जाने के लिए एंट्री कर लेते हैं मेन गेट। अभी यहाँ से होगी हमारी अंदर जाने के लिए एंट्री, सबसे बड़े शिव जी के पैर के नीचे से होकर में एंट्रेंस होगी। और नीचे देखो कितना पहाड़ नुमा सब बनाया गया है, बिल्कुल हूबहू दिख रहा है जैसे पूरा, मतलब इसके ऊपर ही विराजमान है। तो यहाँ से हो जाती हमारी एंट्री सीढ़ियों के चढ़ते हुए, और सीढ़ियाँ सब अपने ऑटोमेटिक लगाई गई है। अभी देखते हैं गेट कैसे खुलता है। ऑटो गेट खुलेगा, ये देखो बिल्कुल ऑटो गेट लगाया हुआ है और ऑटोमेटिक बंद होगा, ये देखो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, सेंसर सिस्टम लगाया गया पूरा। तब यहाँ से कर लेते हैं एंट्री। तो यहाँ भी अपनी एंट्री ले लेते हैं, यहाँ भी
बिना एंट्री के अंदर जा नहीं पाएंगे। मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी का इतना ध्यान रखा गया है कि पूछो ही मत, सिक्योरिटी फुल है। सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पे, और यह है यहाँ का नक्शा पूरा मैप, सिक्योरिटी के मामले में यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है, सिक्योरिटी फुल रखी गई है। सिक्योरिटी होनी भी चाहिए, अच्छी सिक्योरिटी नहीं होगी तो ऐसी व्यवस्था को नुकसान पहुँच सकता है। बहुत ही अच्छा स्टेचू है, अभी तो फिलहाल तो अंदर अंदर ही घूम रहे हैं, अभी तो ऊपर चढ़ना भी नहीं हुआ हमारा, चढ़ेंगे उसके ऊपर उसके बाद ही पता चलेगा। यहाँ देखो पूरा LED वगैरह लगे, इसके अंदर पूरा सिस्टम सेटअप चल रहा है हमारा। अभी चलते हैं ऊपर, क्या व्यू रहता है। ये देखो पूरा LED सिस्टम चल रहा है। अभी हमारे यहाँ से बैठे हैं होल्डिंग में, नंबर आएगा देख लो, पूरा सिस्टम यहाँ चल रहा है वेटिंग में। यहाँ पे चल रही है हमारी वेटिंग, और फिर यहाँ से वेटिंग ख़त्म होती है हमारा बुलावा आएगा तो फिर हम चलेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे बहुत सिस्टम देखो, और इतने सारे लोग भी ये सब वेटिंग में बैठे हुए हैं। अलग अलग टिकट से अलग अलग वेटिंग रहती है, बिल्कुल ही अलग टिकट पर अलग वेटिंग रहती है। चार्ज वही अलग अलग दर्शन कराए जाते हैं। तो चलते हैं थोड़ा वेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे। तो फिलहाल बहुत वेट के बाद में मेरी एंट्री हो चुकी है, अभी चलते हैं अंदर। अभी तो हम बिल्कुल लास्ट में हैं, अभी तो कुछ पहुँचे भी नहीं हैं, अभी तो पहुँचना बाकी है। तो यह हो गया, ये हो गया गेट, यहाँ से हो रही है मेरी एंट्री लिफ्ट के अंदर। जल्दी जल्दी है ना, फिर फोन लिफ्ट के अंदर एंट्री हो रही है, दो नंबर फ्लोर पे। यहाँ के घर पहुँच गए हम ऊपर, यहाँ तक हमारी एंट्री थी। ये जो आपको दिख रहे हैं ये शेषनाग ये है। यहाँ से हम फिलहाल यहाँ पर हैं, और यहाँ से फिलहाल कितने ऊपर हैं हम, फोटो इस जगह से फिलहाल इतने ऊपर हैं, इतने ऊपर आ चुके हैं इनके बिल्कुल चरणों में। और ये है शेषनाग, और यहाँ से इसका प्यारा व्यू कुछ ऐसा लगता है पूरा। ये है वो है नंदी महाराज। तो यहाँ हो गई हमारी एंट्री। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया पूरी कांच, ये है कांच की सीढ़ियाँ, देख लो वन स्टेप वन, एक गिलास पे एक टाइम में एक आदमी बंदा ही जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा वेट के लिए यहाँ पे बिल्कुल सख्त होना है। और यहाँ से देखो नीचे का कुछ प्यारा भी इस तरह का लगता है। तो हम अभी इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये देखो ग्रिल, और यहाँ पे नीचे देखो हेलीपैड भी है, और ये देखो हमारे बंदे घूम रहे हैं। कांच का देख लो सिस्टम, बहुत भयंकर वाला डरावना मामला हो रहा है यहाँ पे तो। कांच कांच का काम बहुत डरावना काम है यहाँ पे। जोरदार काम है यार, कांच को काम जोरदार है यार, गजब है। ये पता है लोहा पूरा नीचे है। ये देखो ये आ गया अपने भोलेनाथ का त्रिशूल, कितना बड़ा। यहाँ से हो गई हमारी अंदर एंट्री, ये था मेन गेट यहाँ से। तो भी देख लो बहुत ही अच्छा अंदर का प्यारा वाला व्यू, बाहर का और देख लेते हैं। लास्ट हो गया अपने यहाँ तक है, इससे ऊपर नहीं है ना, ये लास्ट हो गया हमारे यहाँ से। अब यहाँ से हम हमारे भी ऑफिस रिटर्न, दिख गया गजब।
ये है यहाँ का कुछ प्यारा वाला व्यू। हम पहुँच गए सेकंड स्टेज पे और यहाँ से आ गया भोलेनाथ का त्रिशूल। सेकंड लेवल पे खड़े हैं ना, फर्स्ट लेवल हो गया था, सेकंड लेवल आ गया। देख लो हम इतने ऊपर खड़े हैं, ऊपर का जिला भी का थर्ड फ्लोर है ना, तो हमारे टिकट सेकंड फ्लोर पर भी था। अब यहाँ से हम वापस करेंगे नीचे के लिए रिटर्न। पहुँच गए नीचे, हम आगे एग्जिट प्लान, तो अभी यहाँ से वापस निकलते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टिकट है गार्डन के लिए, तो अब यहाँ से चलेंगे अपन गार्डन के लिए। वो है एग्जिट, यहाँ देखो नीचे स्टोर भी लगाया हुआ है। और काम तो बताइए यहाँ पे क्या प्यारा प्यारा वाला मस्त मस्त वाला काम किया हुआ है। यहाँ पे पूरे सीज वाली फोटो गैलरी लगाई हुई है, यहाँ से अपन कुछ भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। टोटल भोलेनाथ के स्टैचू के आठ गैलरी शाने लगेगी बच्चों के लिए यहाँ पे अंदर। यहाँ से अपन शॉपिंग भी कर सकते हैं। हो चुके हैं ये वाले फर्स्ट वाले एंट्रेंस गेट पर वापिस आ गए। अब यहाँ से निकलेंगे नीचे गार्डन के लिए, तो गार्डन भी घूम लेते हैं। गार्डन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी गार्डन का एंट्रेंस कहाँ से होता है, उससे पहले लेते हैं अपने जूते, जूते पहनते हैं और फिर निकलते हैं गार्डन के लिए। फोटो खींचते अरे यार वो मूर्ति देखी मेरे पागल सब पकड़ गया। से हमारी एंट्री हो रही है म्यूजियम के लिए, तो म्यूजियम देख लेते हैं। ये है म्यूजियम, शानदार। तो ये म्यूजियम आ रही है हैंडीक्राफ्ट वगैरह, यहाँ से अपन शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ से अपन दिखता पूरा शिवलिंग स्टैचू कंप्लीट, भोलेनाथ शिवशंकरी प्रतिमा यहाँ से बिल्कुल आपको कंप्लीट नज़र आती है। तो म्यूजियम में क्या है देख लेते हैं। मस्त वाला पेडीक्योर हो रहा है यहाँ पर, देखो चले ला जा। तब यहाँ से कर लेते हैं रवानगी और आगे करना अपन को गार्डन का, और गार्डन और घूमना है तो चल जाते भी, यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है यहाँ का। ये भी यहाँ मिराज ग्रुप के तरह बनाया गया है स्विमिंग पूल, देख लो। मतलब पॉलिथीन लगी हुई है यार स्विमिंग पूल में, तो पानी की तो खपत है यार, तैरने का तो ऑप्शन ही को नहीं, खाली देखने के लिए है ना। चले उधर देखते तो सी। और यहाँ देख लो बतके भी है, पानी कमी है यार, खाली हो गया। चलते हैं इसके ऊपर, चलते हैं स्विमिंग पूल के लटकन झूले के ऊपर, और ऐसे चलते चलते आपको स्विमिंग पूल का प्यारा वाला दृश्य भी बताएंगे। और अंदर देखो पानी की कमी है इसलिए स्विमिंग पूल चालू नहीं है। मुझे लग रहा है या मतलब देखने के लिए ही है, बाकी नहाने आने के लिए यहाँ पर मुझे कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है। और थोड़ा बच्चों के लिए यहाँ खेलने के लिए भी बनाया गया है, और मिल जाएगा बच्चों के लिए, मेले खरीद नहीं सकते मतलब टिकट से एंजॉय करते हैं। ये सब बच्चों के लिए गेमिंग है, ये देखो
मोटर बाइकिंग मतलब गेमिंग है, पूरा गेमिंग सेटअप यहाँ लगाया गया है। ये देखो पूरा गेमिंग, बच्चे यहाँ गेमिंग कर सकते हैं, सब है। कौन सा है, बाइक वाला भी है, हैं सब गेमिंग वाला। देखो बच्चों के लिए बनाया गया है, सब टिकट चार्ज है, फ्री ऑफ चार्ज कुछ नहीं है यहाँ पे। ये देखो बहुत ही अच्छा है, सब टिकट से बच्चे यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं और यहाँ बड़े भी गेमिंग कर सकते हैं। वाह यार गजब शानदार है। तो अभी यहाँ से करते हैं रवानगी, आगे और देखना बाकी, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑफ पे सिस्टम भी लगाया है ग्रिलिंग, यहाँ से जा सकते हैं। ये देखो यहाँ से बहुत दूर उस गार्डन की तरफ, वहाँ जा सकते हैं। फिलहाल धूप ज़्यादा बढ़ने के कारण फिलहाल इसको बंद किया गया, शाम के टाइम में चलता है। ये भी तो यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। दार है देखो चरण पादुका, वहाँ है वहाँ चरण पादुका, ऊपर सीढ़ी बटा तो नहीं है माँ, वही लाग रही चरण पादुका है ना। देख लो अभी जैसे शाम हो रही है, मतलब जैसे ना गाड़ी की भीड़ लग रही है, जैसे शाम हुई ना उसके बाद में मतलब पर्यटक भी बहुत तगड़ा बढ़ जाएगा, खतरनाक वाला। ये गाड़ी का मजे, सब चार्जिंग गाड़ियाँ, बैठे और निकले। चार्जिंग वाली है, चार्जिंग है तो आवाज़ कहाँ आ रही है, चार्जिंग वाली। ये टिकट यहाँ का ही लग रहा है मेरे को तो, है ना। अरे यार ठंडी ठंडी हो भाई जी, हाँ आगे अंदर फर्स्ट रूम के अंदर जाना है। हे छोरा तोड़ देगा इसको बेचारा, मुंडो पड़ी हो। अच्छा आर्ट गैलरी है ये, आर्ट गैलरी मतलब यहाँ पे आराम से पीछे खड़े रह के मतलब फोटो वोटो खींच सकते हैं आराम से। और ये चेयर वगैरह है, बैठ गया है, ये ला भाई तेरा फोटो भी आ गया, गजब। हम नेक्स्ट स्टेप चरण पादुका की तरफ जा रहे हैं। ये था हमारा यहाँ का नेक्स्ट टिकट, ये टिकट ख़त्म होने के बाद फिर हम निकलेंगे वापस बाहर। तो आज का फिर हमारा वीडियो पूरा ख़त्म हो जाएगा यहाँ का, कि पूरा करीब करीब गार्डन वगैरह सब घूम चुके हैं। तो ये है सीढ़ी चरण पादुका जाने के लिए जो आगे आपको दिख रही है, तो वहाँ चलते हैं चरण पादुका के, और वहाँ से भी आपको अच्छा एक प्यारा वाला पूरा ऊपर का व्यू बताने वाले हैं। तो चलते हैं ऊपर का पूरा व्यू कैसा वो देख लेते हैं एक बार, यहाँ से कितना प्यारा वाला अच्छा वाला व्यू आ रहा है पीछे का गार्डन का सेटअप का। और हम खड़े हैं फिलहाल चरण पादुका के यहाँ पे, यह है चरण पादुका। तो ये है हमारा यहाँ का हो गया हमारा लास्ट टिकट, लास्ट भ्रमण हो गया है। अभी यहाँ से कर लेते हैं पूरा यहाँ से रवानगी, और अभी निकलेंगे इंट्रेंस गेट की तरफ और वहाँ से फिर निकलेंगे घर की तरफ। तो ये हो गया, हम वापस आ गए हैं अंदर वाले इंट्रेंस गेट पे। अभी यहाँ से हमारी रवानगी हो रही है वापस घर के लिए। तो यहाँ का व्यू भी बता देते हैं, और यहाँ पे हो गया हमारे ये अच्छा शिवलिंग बनाया गया जो आपको हमने आते में वीडियो में बताया था। अभी यहाँ से हमारा हो गया वापस बैक, और यहाँ से हम वापस जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो चलते हैं बाहर अभी यहाँ से, छोटी वाली ट्रेन है, ट्रेन ही पहिए वाला है, बहुत सारा भेजा था भी ना तुम्हें, बिठा ले जाता भी नहीं, पूरा सेटअप का शानदार बनाया हुआ देख मस्त वाला। और ये सब गाड़िया पार्किंग है, अटूस गाड़िया सब, चार्जिंग और सॉकेट मेरे हिसाब से अटैच हुई सब। एग्जिट कहाँ है, वो है उधर एग्जिट। तो आगे हम मेन गेट पे, अभी यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। ये है हमारा इधर एग्जिट पॉइंट, तो निकले एग्जिट पॉइंट से बाहर। देखो यहाँ भी कितना प्यारा वाला अच्छा वाला व्यू बना गया है, तो बताते बाहर निकल के चलते हैं। वापस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ से करेंगे अपन रवानगी। तो गाइस फिलहाल हम निकल चुके हैं, आ चुके हैं गाड़ी पार्किंग में, यहाँ से लेते हैं अपनी गाड़ी। और अगर आपका मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।